जन कल्याण के उद्योग के रूप में बिना नफा नुकसान को दस्तगत रखते हुए की गई थी। सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को रोडवेज विभाग द्वारा धरातल पर साकार किया जाता है। कोविड काल के जो संकट काल में राजस्थान सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर के रोडवेज कर्मचारियों ने सहभागिता की, विशेष रूप से हमारे चालक परिचालकों ने अप्रवासी भारतीयों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया, अपनी जान हथेली पर रख करके दिन रात उन्होंने नौकरियां दी। आप ये देखेंगे कि सरकार जो परीक्षार्थियों के लिए जन कल्याणकारी घोषणा सरकार द्वारा की गई है, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक और पुनः गंतव्य तक छोड़ने का काम ये राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी धरातल पर कर रहे हैं। किंतु बड़े विनम्रता के साथ में और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को एक एक दो दो माह का वेतन आज दिनांक तक नहीं मिल पाया है। राजस्थान रोडवेज को घाटे के नाम पे संसाधनों के अभाव में राजस्थान रोडवेज नित्य निरंतर घाटे की ओर अग्रसर है। आज राजस्थान रोडवेज के जो प्रमुख बस स्टैंड हैं, चाहे वो सिंधी के एम जयपुर का हो, चाहे अजमेर सहित जो बड़े शहर हैं उनके बस स्टैंडों के बाहर की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर निजी, प्राइवेट, लोक परिवहन, अवैध और जीपें कारें आपको रोडवेज के बस स्टैंडों के बाहर से सवारियों को भरते देखी जा सकती हैं, जो हमारे राजस्थान रोडवेज की घाटे का एक प्रमुख कारण है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में कम गाड़ियों का होना भी घाटे का कारण है। हमें 2000 गाड़ियों की तुरंत आवश्यकता है। हमारे संचालन किलोमीटर कम होने से, हमारी गाड़ियों के फेरे कम लगने से, जहां एक और रोडवेज की आय प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर ये निजी, प्राइवेट और अवैध परिवहन पैर पसार रहा है, जिससे भी रोडवेज के अस्तित्व को आज खतरा होने आ गया है। रोडवेज ने सरकार से एक ही मांग रखी है कि या तो इन सब रोडवेज उद्योग को सरकार अपना उद्योग घोषित कर ले, राज्य सरकार में समाहित कर ले, जिससे राजस्थान के जितने भी और सरकार के अधीनस्थ काम करेंगे, राजस्थान की जनता को सरल सुलभ सुरक्षित यात्रा मिलती रहेगी और आम जन के कल्याण में सरकार अपना दायित्व निर्वहन करती रहेगी। मैं सरकार से अपेक्षा करते हैं कि बजट सत्र से पहले वे राजस्थान रोडवेज को सरकारी विभाग घोषित करे, रोडवेज कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन की योजना लागू करे, नई भर्ती, नई वाहनों की खरीद की घोषणा करे, अन्यथा राजस्थान रोडवेज कर्मचारी विधानसभा सत्र में, बजट सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मैं आनंद सिंह नयाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन।